आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयालक्ष्मी। 13 दिनों से लापता पुत्री का कोई सुराग न लगने पर परेशान परिवार वालों ने आज पुलिस अफसरों की शरण ले ली। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी गेट अंदर रहने वाले विजय शर्मा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री अपने चाचा के यहाँ सिलाई सीखने के लिए जाती थी। 6 जुलाई को वह घर से सिलाई सीखने के लिए निकली, लेकिन चाचा के यहाँ नहीं पहुँची। खोजबीन के दौरान पता चला कि उसे साड़ी में रहने वाले कमलेश अपने साथी के साथ मिलकर बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है। विजय के अनुसार उसकी पुत्री की कमलेश से मोबाइल फोन पर बात भी होती थी। घटना की सूचना उसने 11 जुलाई को कोतवाली थाने में दर्ज कराई, लेकिन तब से अब तक उसकी पुत्री का कोई सुराग नहीं मिला है। विजय का आरोप है कि विपक्षी द्वारा उसे अब धमकियां भी दी जा रही है। प्रार्थना पत्र में उसने पुत्री का पता लगाए जाने की गुहार की है। झांसी से प्रदीप की रिपोर्ट। से गायब है 12 बजे से, दिन से। हसारी का लड़का है उसका, वो पता नहीं है कहाँ गया। उसके घर पे सब रह रहे होंगे, उसी का शक है, उसी का हमने नंबर पकड़ा है। लड़की कितनी उम्र थी? 15 साल 6 महीने की। अच्छा, लड़का? लड़का पता नहीं, 23-24 साल का लड़का है। कहाँ का है? हसारी का लड़का है, छोटू नाम है उससे और कमलेश का नाम है उसका, दोनों कहती। थाने में रिपोर्ट की है? हाँ, थाने में रिपोर्ट की है हमने। हमने 11 तारीख को की थी। हाँ, उस दिन पे 8 तारीख को भी, 9 तारीख को भी कोतवाली गए थे तो कोई सुनवाई नहीं है। चौकी भेज दिया था हमें, हसारी की चौकी, दिन भर बैठे रहे उधर, कुछ नहीं हुआ। अब कहाँ आए हम? यहाँ नवासी है। क्या क्या चाहते? हम ये चाहते कि मेरी लड़की मिल जाए उसको। उनको घर वाले को किसी को कोई शक नहीं हो रहा, कोई जा ही नहीं रहा उधर उठाने, सब घर पे रह रहे हैंगे आराम से। क्या मांग है? हमारी ये है कि मेरी लड़की आ जाए, मेरी उसको फंसवाए। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरी लड़की 8 तारीख से गायब है और 3 दिन हम थाने में घूमे, तब हमारी 11 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई। उसके बाद हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कुछ नहीं सुन रही है हमारी। और अभी तक 12-13 दिन हो चुके हैं, लड़की को कोई सुराग पता नहीं लगा और पुलिस एक बार भी अपराधी के घर नहीं गई है। और आप लोगों से निवेदन है, सब अधिकारियों से निवेदन है हमारा कि हमारी लड़की घर वापस आ जाए। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर लड़की वापस नहीं है तो हमें तो आत्महत्या करनी पड़ेगी।